हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आजकल इन दिनों हर एक के मुंह पर सिर्फ एक ही सवाल है, क्या अकेले ठहरने से लेकर बाथटब में गिरना इत्तेफाक था? तो बता दें आपको, इन्हीं कुछ पांच सवालों में छुपा है श्रीदेवी की मौत का भी राज। जी हाँ, अभिनेत्री श्रीदेवी की आकस्मिक मौत के मामले को नाटकीय मोड़ देते हुए दुबई की सरकार ने कहा है कि उनकी मौत होटल के बाथटब में दुर्घटनावश डूबने से हुई है, और यही वजह रही थी कि पार्थिव शरीर लाने में देरी हो गई थी, क्योंकि दुबई पुलिस ने भारतीय दूतावास से कहा था कि अभिनेत्री का शव सुपुर्द करने से पहले एक और मंजूरी मिलनी बाकी है। यूएई में भारत के राजदूत नवदीप सूरी ने कहा कि दुबई पुलिस एक और मंजूरी मिलने के बाद ही शव सुपुर्द कर सकती है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि किस तरह की मंजूरी की जरूरत है। सूरी ने कहा, ये उनकी आंतरिक प्रक्रिया है। दुबई सरकार ने ट्विटर पर लिखा है कि पुलिस ने मामला दुबई लोक अभियोजन को सौंप दिया है, जो इस तरह के मामलों में अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रिया का पालन करती है। दुबई सरकार के मीडिया अधिकारी ने ट्विटर पर कहा है, पोस्टमार्टम विश्लेषण होने के बाद दुबई पुलिस मुख्यालय ने आज बताया कि भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत उनके होटल के कमरे में बाथटब में बेहोश होने के बाद डूबने से हो गई। श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उनकी मौत के कारण को लेकर सस्पेंस बन गया था। लोगों के जहन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। इन्हीं में से हमने पाँच ऐसे सवाल चुने हैं जिनका अगर आप जवाब ढूंढ रहे हैं तो आपको उनका जवाब यहाँ मिल जाएगा। शायद श्रीदेवी की मौत के कारण से पर्दा भी उठ जाएगा। सबसे पहला सवाल है, अकेले दुबई में क्यों ठहर गई श्रीदेवी? दरअसल शादी समारोह के बाद बोनी कपूर छोटी बेटी खुशी के साथ मुंबई लौट आए थे। मौत वाले दिन बोनी कपूर सरप्राइज देने के लिए दोबारा दुबई जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह थी कि श्रीदेवी अकेले दुबई में ठहर गई थी। जहां तक श्रीदेवी के पुराने बयानों पर गौर करें तो वे अपनी बेटी जाह्नवी के फिल्मों में आने को लेकर काफी गंभीर थी। जाह्नवी इन दिनों मुंबई में अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थी। ऐसे में स्वाभाविक है कि श्रीदेवी बिना किसी खास वजह के बेटी से दूर रहने का फैसला तो नहीं कर सकती थी। इसके बाद दूसरा सवाल है, परिवार वालों के जाने के बाद 48 घंटे तक कमरे में क्यों कैद रही श्रीदेवी? तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक होटल कर्मचारियों के हवाले से बताया गया है कि पति बोनी कपूर और बेटी खुशी के भारत लौटने के बाद श्रीदेवी 48 घंटे तक होटल के कमरे में बंद रही थी। जी हाँ, बताया जा रहा है कि पति बोनी कपूर अचानक उन्हें सरप्राइज देने आते हैं और उन्हें डिनर पर चलने के लिए कहते हैं। श्रीदेवी वॉशरूम में तैयार होने के लिए जाती हैं और उनके साथ यह हादसा हो जाता है। बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर श्रीदेवी 48 घंटे तक होटल से बाहर क्यों नहीं निकली? तीसरा सवाल, डॉक्टर ने किस आधार पर कहा था कार्डियक अटैक की बात? तो आपको बता दें कि पति बोनी कपूर ने जब श्रीदेवी को बेहोशी की हालत में देखा तो डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद श्रीदेवी की मौत को नेचुरल बताया और वजह के तौर पर कार्डियक अटैक की बात कही। ऐसे में उस डॉक्टर से पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर उसने किस आधार पर कार्डियक अटैक की बात कही थी, जबकि श्रीदेवी का शव बाथटब में डूबा हुआ मिला था। चौथा सवाल, पति और बेटी की लौटने के बाद किस किस से हुई श्रीदेवी की बातचीत? तो बताया जा रहा है कि पति और बेटी के भारत लौटने के बाद श्रीदेवी 48 घंटे दुबई में अकेले रहीं। इस दौरान वे होटल के कमरे से बाहर नहीं निकली। ऐसे में पता लगाने की जरूरत है कि इस दौरान श्रीदेवी ने किन किन लोगों से फोन पर बातचीत की थी। कॉल डिटेल से बड़ा सुराग मिल सकता है। और पांचवा और आखिरी सवाल, श्रीदेवी के शरीर में कितनी अल्कोहल की मात्रा थी? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि श्रीदेवी के शरीर में अल्कोहल की मात्रा थी। यहाँ ये पता लगाने की जरूरत है कि आखिर उनके शरीर में कितनी मात्रा में अल्कोहल था। अगर अल्कोहल की मात्रा ज्यादा थी तो बड़ा सवाल ये भी है कि श्रीदेवी ने खुद अल्कोहल लिया था या उन्हें जबरदस्ती या फिर साजिश के तहत पिलाई गई थी। यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या बाथटब में पानी भरा होना इत्तेफाक था? तो ये थे कुछ ऐसे पांच सवाल जिनके जवाब अभी आना बाकी है। तो ऐसी ही और भी तमाम खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। और हाँ, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल। थैंक यू।